भारत में इतनी विविधता होते हुए भी इतनी एकता कैसे है? ये कैसी संस्कृति है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हम सबको पिरो कर रखती है? इस रहस्य की प्रमुख कड़ी जुड़ी है सनातन धर्म के चार प्रमुख धामों से। तो इन्हें समझने के लिए हमने बात की आवान नायक से, जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट कल्चरल रिसर्चर्स हैं, जो कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भारत और खास करके जगन्नाथ संस्कृति से लोगों को परिचित कराते हैं। तो इस पॉडकास्ट के पहले हिस्से में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है आवान नायक जी, जो कि स्टेट लेवल सिंगर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, एंकर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, पेंटर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक कल्चरल रिसर्चर है, और जिसके लिए आज वो यहाँ पे आए हैं। सो आवान जी बहुत सालों से जगन्नाथ कल्चर पर रिसर्च कर रहे हैं और जगह जगह जाके उसके बारे में बात करते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं। तो आज हमें भी सौभाग्य मिला है कि हमारा भी एनलाइटमेंट हो, हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत भाई, मुझे जगन्नाथ भगवान के बारे में बात करने का ये सौभाग्य मिला आपके इस चैनल के माध्यम से। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने कल्चर, अपनी संस्कृति या हरि नाम के लिए कभी नाम मतलब हमारे दिमाग में आता ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता भगवान का नाम लेने का। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। वी आर थैंकफुल टू यू। चलिए ठीक है, तो बताइए आवान जी, कैसा होता है जीवन एक कल्चरल रिसर्चर का, क्या करता है कल्चरल रिसर्चर? देखिए, कल्चरल रिसर्चर का जीवन सभी नॉर्मल जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हीं की तरह ही होता है, कोई अलग चीज नहीं होती इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि एक कल्चरल रिसर्चर में एक क्यूरियोसिटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, जानने की इच्छा, ये सबसे बड़ी चीज जो कल्चरल रिसर्च को दूसरे लोगों से अलग करती है। मतलब सारे इंसान समान हैं, लेकिन सबके माइंडसेट अलग हैं, सबके आग्रह, इच्छा और यू नो इंटरेस्ट फील्ड्स अलग होती हैं। तो मुझे लगता है कि, और सभी की अगर इंटरेस्ट फील्ड समान हो जाए तो भी दिक्कत है, सबको अलग अलग इंटरेस्ट फील्ड हो तभी संसार बैलेंस रहेगा, ये भी फैक्ट है। इसलिए शायद एक कल्चरल रिसर्चर के दिमाग में हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि व्हाट इज माय आइडेंटिटी, व्हाट इज माय रूट्स, फ्रॉम वेयर ऑल दिस थिंग्स कम फ्रॉम, कि मैं ये कपड़ा क्यों पहन रहा हूँ, मैं ये खाना क्यों खा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में नहीं आता तो शायद आप एक कल्चरल रिसर्च नहीं बन सकते। आप एनवायरमेंटल रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, साइंस एंड डेवलपमेंट, वो बन सकते हैं, लेकिन कल्चरल के लिए आपको अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई बातों से क्वेश्चन मार्क मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है, हमें घर पे ये काम करने से क्यों टोका जाता है, बचपन से मम्मी मुझे ये क्यों बोलती है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कुछ तो होगा। हमें क्यों बोला जाता है कि ये हमारे संस्कार हैं, ये संस्कार क्या होता है, संस्कार हमारे जीवन में क्यों इतना यू नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस रखता है। ये चीजों के सामने अगर हम क्यों लगा दें तो वो कल्चरल रिसर्चर बन जाता है, और उसके बारे में जानने की और भी आग्रह बढ़ती जाती है। हम उसके बारे में पढ़ने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं, मंदिरों में जाके, मठों में जाके पंडितों से, ब्राह्मणों से या मठ के महंतों से बात करते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं कि अच्छा इस वजह से ये हो रहा है, इसके लिए ऐसा होता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर चीज है, अपने आप को, अपना परिचय को खुद ढूंढना ही कल्चरल रिसर्च है। हम क्या हैं उसको खुद अगर हम ढूंढेंगे तो दैट इज व्हाट कल्चरल रिसर्च मींस, आई बिलीव। ग्रेट, तो ये कैसे काम करता है पूरा आपका इकोसिस्टम, कौन आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं और आपका डे टू डे ऑपरेशन जब आप इस काम में लगते हैं तो कैसा होता है, आपके प्रोसेसेस क्या होते हैं? क्योंकि हम भी रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन अभी तक हमारा ऊपर ही रिसर्च है बहुत सारी चीज़ों पर, हम वाइड टॉपिक्स को पकड़ रहे हैं टू अंडरस्टैंड अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये हमारे चैनल का उद्देश्य रहता है। लेकिन किसी भी चीज़ में डीप जाने का आपका क्या माइंडसेट रहता है, किस तरह से काम चलता है? देखिए, मेरा बचपन पूरी जगन्नाथ पुरी में बीता है, 7-8 साल तक बचपन में, पैदा होने के बाद पुरी में ही रहा हूँ, तो पुरी की जो संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ था बचपन से, मतलब अपने संस्कृति को देखने का जो नजरिया है वो लोगों में भिन्नता होती है उसमें। कोई लोग उसको एज अ एंटरटेनमेंट देखते हैं, कोई लोग उसको रिलीजियस वे में देखते हैं, कोई लोग उसको स्पिरिचुअल और साइंस के वे में देखते हैं, कोई लोग उसको मेंटल पीस के लिए देखते हैं। तो सभी का एक अलग नजरिया होता है एक चीज के प्रति। कोई
भगवान को देखता है तो वो सोचता है कि मैं मंदिर में आया हूँ अपने मेंटल पीस के लिए। कोई आया है तो बस देखने के लिए आया है कि मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं। उसमें उसकी भक्ति होती है, उसमें उसका इनोसेंस भरा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है सभी का नजरिया मतलब अलग अलग होता है। तो जैसे आपने पूछा कि ये इकोसिस्टम के बारे में कि ये कैसे बिल्डअप होता है, देखिए मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस के साथ भी रिलेटेड है, जो सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स, हर चीज के साथ रिलेशन रखता है हमारा जो संस्कृति है। इट इज अ वेरी होलिस्टिक थिंग। और मेरा बचपन से ये मानना था कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ये आपने सुना होगा। अगर मैं खुद अपने कल्चर के बारे में नहीं जानता, अगर मेरे मम्मी पापा, मेरे घर पे मेरे भाई बहन या फिर मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, अगर उन लोगों को अपने कल्चर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता, तो मैं जाके दुनिया के 100 करोड़ लोगों को भी जाके बोल दूं तो मेरा जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले मैं अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों को अगर अवेयर ना कराऊं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने हमेशा से सोचा कि मैं जो भी शुरू करूंगा अपने घर से शुरू करूंगा। मेरे मम्मी को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता, मेरे पापा को भी बहुत सारी चीज नहीं पता जो मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च की है। तो कभी कभी क्या होता है ना, मम्मी को अगर कुछ डाउट होता है वो मुझे पूछ देती है और मैं उसको बताता हूँ मम्मी को। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने घर से ही शुरुआत की जाए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने कजिन्स, अपने रिलेटिव्स, वहीं से शुरू की जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि देखिए भारत एक विविधताओं का देश है, भरी हुई है संस्कृतियां, भरी हुई है यहाँ के पर्व, भरे हुए हैं यहाँ के खान पान सब कुछ। अगर कोई भारत के संस्कृति के ऊपर रिसर्च करने बैठे, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं खत्म होगा, दिस इज द ट्रूथ। तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत उत्तम कार्य है कि एटलीस्ट लोगों तक एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचे, एक होलिस्टिक अप्रोच बने, ताकि लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये पर्व मनाया जाता है, यहाँ पे ये खान पान होता है, ये हमारी हिस्ट्री थी, यहाँ पे ये मंदिर इस राजा ने बनाया था, बेसिक नॉलेज ये जानना। क्योंकि हम डिटेल में हर एक चीज को अगर पूरा करेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, हम एक स्टेट भी कवर नहीं कर पाएंगे, पूरे इंडिया की बात तो छोड़िए। तो मैंने सोचा कि अभी अगर मैं हर जगह के बारे में रिसर्च करूं तो शायद मैं एक चीज को अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा। तो पहले मैं सोचा कि मैं पुरी से हूं, मैं उड़ीसा से हूं और हमारे आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ का धाम उड़ीसा में है। तो मुझे लगा कि मैं पहले जगन्नाथ संस्कृति के बारे में रिसर्च करता हूँ। देखिए जगन्नाथ वही हैं, कृष्ण वही हैं, वही तिरुपति बालाजी हैं, वही पद्मनाभ स्वामी हैं, वही विट्ठल हैं, वही सब कुछ है। लेकिन अभी विट्ठल जी की संस्कृति अलग होगी, तिरुपति बालाजी की संस्कृति, उनकी उनके मंदिर में जो कल्चर है वो अलग होगा। अब हर चीज को स्टडी करना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सबके लाइफ में अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ऑफिस का काम भी है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले एक चीज पे फोकस करते हैं, फिर धीरे 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 जितना हमें समय मिलता जाएगा हम दूसरे कल्चर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि नॉलेज, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं अपने उड़ीसा के बारे में, अगर एक उड़िया होके एक उड़ीसा के बारे में ना जानूं तो इससे बड़ी लज्जाजनक बात और कुछ हो नहीं सकती। तो मैंने पहले उड़ीसा के कल्चर, जगन्नाथ कल्चर से शुरू किया और लगभग मैं बचपन से जगन्नाथ कल्चर के बारे में पढ़ता आ रहा हूँ, दादा दादी से कहानियां सुनते आ रहा हूँ, ये सब होता है। लेकिन ऑफिशियली मतलब प्रोफेशनली मैंने ये काम करना शुरू किया 3 साल पहले, 2020 से, जब कोविड का लॉकडाउन हुआ तब मैं जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के साथ काम करना शुरू किया, उनके साथ रिसर्च किया रथ यात्रा के ऊपर, जगन्नाथ जी के जो पर्व हैं, जो फेस्टिवल्स हैं उसके ऊपर, जगन्नाथ जी मंदिर के बारे में, उनके जो पंडे लोग हैं उनसे बात किया, पंडितों, ब्राह्मण और जो मठ हैं उनसे बातें की, बहुत सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की, बहुत सारी बुक्स पढ़े। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम होम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम उड़ीसा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पुरी। So that was my motive. काफी सारी वीडियोस आपने भी भेजी थी और बहुत सारी मैंने भी पहले बहुत देखी हैं। तो उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं वहाँ के कल्चर के बारे में, लेकिन ऐसा क्या आपने वहाँ पे पाया जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ जो हमें नहीं पता है? देखिए
ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि उड़ीसा हमेशा किसी ना किसी कारणवश पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता रहता है। हालांकि पिछड़ा हुआ कहलाने के लिए उड़ीसा के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है। उड़ीसा एक बहुत ही समृद्ध राज्य है, कल्चर वाइज, हिस्ट्री वाइज, संस्कृति के वाइज, हर आप किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, उड़ीसा हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चरल स्टेट। हालांकि भारत में जितने सारे प्रदेश हैं, जितने स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं, सभी अपने आप में बहुत ही ज्यादा कल्चरली और आर्ट और कल्चर में बहुत ही समृद्ध हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखोगे, जब भी एक बॉलीवुड मूवी बनती है, कोई भी एक नेशनल न्यूज़ बनता है, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रांत में लिमिटेड होके रह जाता है। वो वेस्टर्न हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, पंजाब हो सकता है, लेकिन उड़ीसा के बारे में इतनी बात नहीं होती। उड़ीसा के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, झारखंड के बारे में, हम मतलब हमारे बारे में आप कभी बॉलीवुड मूवी में उड़ीसा के बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक लैक करता है, ये मानना जरूरी है। जो सच है वो सच है, इसमें बोलने की कोई मतलब इसमें कोई मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है बोलने में। लेकिन उड़ीसा की जो संस्कृति है, मैं ये इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है। हमने कभी अपने संस्कृति को एक्नोलेज किया ही नहीं, हमने कभी अपनी संस्कृति को प्रचार करने में कभी उतना एफर्ट नहीं दिया, कभी नहीं दिया। हम हमेशा दूसरों को कॉपी करने में, दूसरे कल्चर को फॉलो करने में, वो पहले हमारे दिमाग में आता था, लेकिन अपने कल्चर को जानने में, उसके उसका जो माधुर्य है, उसका जो गरिमा है, उसको कैसे हम और भी ज्यादा बढ़ा सकें, उसको लेके हम कितना गर्वान्वित महसूस कर सकें, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। क्योंकि मैं ये भी देखता हूँ, जब कोई उड़ीसा से बाहर जाता है तो वो हिंदी में बात करने लगते हैं, दो उड़िया भी बात करते हैं तो हिंदी में, उड़िया उड़िया लैंग्वेज में बात करने में उनको शर्म आती है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। तो उड़ीसा एक इतना समृद्ध राज्य है, लेकिन उसके कल्चर के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। जगन्नाथ मंदिर बहुत पॉपुलर है इसलिए लोगों को मालूम है, लेकिन उड़ीसा के खान पान, उड़ीसा के जो हिस्ट्री है, उड़ीसा के जो कल्चर है, उड़ीसा के जो हैंडलूम है, उड़ीसा के जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। दैट इज आई एम वेरी श्योर अबाउट, जो कि बहुत दुख की बात है। और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ है। और इसमें हम भारत को या बॉलीवुड को सिर्फ दोष देने से नहीं होगा, ये हमारा गलती पहले है कि हमने अपने कल्चर को उतना अच्छे से प्रमोट नहीं किया। आप देखिए, आप जब सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएंगे, आप जब भी तमिलनाडु में जाएंगे, कर्नाटका में जाएंगे, केरला में जाएंगे, वो अपने कल्चर को लेके कितने ज्यादा प्राउड हैं। वो अपने कल्चर, अपने संस्कृति को लेके दे आर वेरी प्राउड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद देयर कल्चर। उनको कोई कोई शर्म नहीं आती धोती पहनने में। साउथ इंडिया में आप देखोगे, उनको कोई शर्म नहीं आती धोती पहनने में। आप नॉर्थ इंडिया में एक आदमी को नहीं देखोगे वैसा। आपको साउथ इंडिया में उनको धोती पहनने में, साड़ी पहनने में, बालों में फूल लगाने में उनको कोई शर्म नहीं आती। हमें बहुत शर्म आती है, लेकिन हमें बहुत शर्म आ जाती है क्योंकि हम अपने कल्चर को प्रमोट करते ही नहीं है। वहां के मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी सब धोती में पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, धोती में विधानसभा जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर लोग धोती पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं मंदिरों में, मॉल में। आप देखिए, उनको कोई शर्म नहीं अपने कल्चर में। लेकिन हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हम अपने कल्चर को लेके कभी प्राउड फील ही नहीं करते। तो कैसे प्रमोट होगा, कैसे लोगों को पता चलेगा कि उड़ीसा करके कि राज्य है भी। आधा लोग तो ये पूछते हैं, उड़ीसा कहाँ पड़ता है, कहाँ है उड़ीसा। तो ये बहुत ही दुख की बात है, और इसमें किसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, इसे हमें मानना ही पड़ेगा। तो उड़ीसा के बारे में जो आपने पूछा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आज उड़ीसा के, देखिए उड़ीसा के बारे में अगर बात करूं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, खान पान, उड़ीसा के जो हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि हम जगन्नाथ संस्कृति के बारे में बात करें, क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति ही उड़ीसा का मूल है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वहीं से ही सारी उड़ीसा का, जितने भी उड़ीसा के आप कल्चर देखते हैं, वो जगन्नाथ मंदिर से, जगन्नाथ संस्कृति से ही पैदा हुई है। वही वो उत्पत्ति है, जगन्नाथ मंदिर ही सारे उड़ीसा के संस्कृति का उत्पत्ति है। हम जो खाना खाते हैं, जगन्नाथ जी वही खाना खाते हैं। हम जिस मटेरियल के कपड़े पहनते हैं, जगन्नाथ जी उसी मटेरियल के कपड़े पहनते हैं। जगन्नाथ कल्चर से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जगन्नाथ जी से क्या सीखते हैं, उनकी कल्चर इतनी यूनिक क्यों है, वो दुनिया के सबसे यूनिक भगवान क्यों है, ऐसे भगवान दुनिया में क्यों कोई नहीं है जो लकड़ी के बने हो, जो भाई बहन के साथ पूजित हो, जिनके हाथ पैर ना हो, ऐसे भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो जो भगवान सबसे ज्यादा यूनिक हैं, उनके पर्व, उनके फेस्टिवल, उनके नीति, उनकी विधि भी सबसे ज्यादा यूनिक है,
इसमें कोई शक नहीं। तो जगन्नाथ जी के पास जाने से पहले हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं चार धाम का। देखिए चार धाम जब हम बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में अधिकतर लोग सोचते हैं कि चार धाम मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसको चार धाम सोचते हैं। लेकिन ये चार धाम छोटा चार धाम है, ये उत्तराखंड में आता है ना, इसको हम छोटा चार धाम बोलते हैं। जो प्रमुख चार धाम है वो है जगन्नाथपुरी, द्वारिकानाथ, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। ये हैं प्रमुख चार धाम जो कि विष्णु के चार धाम हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति में हमने पुरुष और महिला दोनों को उतना ही प्राधान्य दिया है, उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है हमारी संस्कृति में। जैसे कि आपको मालूम है ब्रह्मा जी की उपासना नहीं की जाती, इसलिए आप देखिएगा जैसे विष्णु जी के चार धाम हैं वैसे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और देवी दुर्गा मतलब शक्ति, देवी शक्ति या देवी सती की 51 शक्तिपीठ हैं, जहां पे सती, आपने ये कहानी सुनी होगी कि सती देवी का जब उन्होंने जब देहत्याग किया और उनका जला हुआ शरीर को जब शिव जी ने पकड़ के तांडव किया तो उनके शरीर का जो अंग जहां जहां गिरा वहां पे एक एक शक्तिपीठ बना, ये आपको मालूम होगा। तो इसका मतलब ये है कि देवी शक्ति का 51 धाम है, शिव जी का 12 धाम है और विष्णु जी का 4 धाम है, ठीक है। तो ये 4 धाम का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे हिंदू संस्कृति में 4 नंबर को एक बहुत ही शुभ नंबर माना गया है। आप देखोगे 4 युग, 4 धाम, 4 वेद, 4 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना गया है। तो शंकराचार्य जी को हम शिव के अंश मानते हैं, भगवान शिव के अंश मानते हैं शंकराचार्य जी को। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु जो संत थे उनको हम मानते हैं कि वो भगवान कृष्ण के रूप थे, है ना। तो शंकराचार्य भगवान शंकर के अंश माने जाते हैं। तो वो इतने बड़े संत हुआ करते थे, उनके पास इतनी शक्ति थी, तो वो अपने तप बल से शंकराचार्य ने 4 धामों में 4 मठ की स्थापना करी, जहां पे पुरी का जो मठ है उसका नाम है गोवर्धन मठ, जो कि पूरी जगन्नाथ धाम का शंकराचार्य मठ कहलाता है। तो शंकराचार्य ने ये चारों जगहों को उन्होंने चयन किया, 4 धाम उन्होंने स्थापित नहीं की, 4 धाम पहले से थे, लेकिन शंकराचार्य के मठ स्थापना के बाद इन 4 धामों को स्वीकृति मिली कि ये 4 धाम मुख्य 4 धाम है, क्योंकि शंकराचार्य ने इन 4 धामों को चुना कि यही विष्णु भगवान के 4 धाम है। क्योंकि तिरुपति बालाजी इतना बड़ा मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर विष्णु भगवान के 4 धाम में नहीं आता। पद्मनाभ स्वामी जो केरला का सबसे बड़ा मंदिर है विष्णु भगवान का, जो दुनिया का सबसे धनी मंदिर है, वो भी विष्णु के 4 धाम में नहीं आता। इस तो देखिए जी, विष्णु हर जगह पे है, हर रूप में है, मथुरा में, अयोध्या राम जन्मभूमि है, लेकिन वो 4 धाम में नहीं आता। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए, शंकराचार्य का ये जो प्रयास था 4 धाम स्थापना, अपने 4 मठों की स्थापना, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में एक विविधता में एकता लाने का एक प्रयास था। आप अगर लॉजिकली सोचें, वो उन्होंने 4 कॉर्नर्स पे इसको क्यों रखा, ताकि भारत का जो विविधता है, विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न मेंटालिटी के, विभिन्न कल्चर के, विभिन्न भाषा के, वो एक साथ रहें। दूसरी बात, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक मिलन हो। 4 धाम चारों दिशाएं में है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो पूरे भारत को कवर करता है 4 धाम। तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में आप देखिएगा, जो भी होता है उसके पीछे एक साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो ये 4 धाम की स्थापना, जब वह 4 मठों की स्थापना जब शंकराचार्य जी ने किया, तो उसके पीछे भी ये एक बहुत ही बड़ा कारण रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और सच में आज तक भारत बंधा हुआ है, ये 4 धामों के माध्यम से आज भी भारत बंधा हुआ है। कोई महाराष्ट्र में बैठा हुआ भी जगन्नाथ जी को उतना ही प्यार करता है जितना कि वो गणेश जी को प्यार करता है। तो वही वो जो संस्कृति का जो मिलन हुआ, जो हम बोलते हैं ना कल्चरल एक्सचेंज, वो हिंदी इंग्लिश में वो बात है, कल्चरल एक्सचेंज, वो वहां पे बना। तो इसके लिए तो शंकराचार्य जी का कोटि कोटि नमन कि उन्होंने ये 4 धाम में 4 मठों की प्रतिष्ठा करके 4 धामों को स्वीकृति प्रदान किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वैसे अगर माने जाए, शिव और विष्णु दोनों अलग नहीं है,
शिव और विष्णु एक ही हैं, सिर्फ उनका भाव स्वभाव अलग है। विष्णु शांत रूप है, शिव जी उग्र रूप है, है ना। तो आप देखिएगा, जब रामायण में भगवान राम रावण को वध करने के लिए लंका जाने वाले थे, रामेश्वरम में उन्होंने शिव जी का वहीं पे उनका लिंग बनाकर, वहां पे शिवलिंग बनाकर वहां पे पूजा किया था, है ना। तो भगवान विष्णु शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान शिव विष्णु के सबसे बड़े भक्त है, क्योंकि हनुमान हनुमान और कोई नहीं शिव जी ही थे। हनुमान शिव जी के ही रूप है, रुद्र रूप है। हनुमान जी को रुद्र का रुद्रांश बोला जाता है, रुद्र का अंश, रुद्र मतलब शिव। तो शिव जी विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। विष्णु और शिव को जो अलग अलग से अलग देखता है वो सबसे बड़ा पापी है, मैं सोचता हूँ। ये सबसे बड़ा गलत, मतलब ये बहुत बड़ा गलत लोगों का जो मेंटालिटी है कि हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम शिव जी में मानते हैं, हम विष्णु जी में नहीं मानते, ये बहुत गलत बात है। शिव जी और विष्णु अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। विष्णु अनंत शयन करके शिव जी को तपस्या करते हैं, शिव जी तपस्या करके विष्णु जी को तपस्या करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में, भारत में स्पेशली, कि हम शिव के भक्त हैं, हम विष्णु के भक्त हैं। कोई अलग नहीं है, वो सेम ही है, सारे भगवान एक ही हैं, अलग अलग रूप अलग अलग स्वभाव में है। तो मैंने शिव जी की बात क्यों करी, देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसे मैंने बोला भगवान विष्णु के सिर्फ 4 धाम नहीं है, अयोध्या धाम भी है, मथुरा धाम भी है, वृंदावन धाम भी है, तिरुपति धाम भी है, पद्मनाभ स्वामी धाम भी है, विठल धाम भी है, कुरुक्षेत्र धाम भी है, बहुत धाम है। लेकिन उन सभी धामों में से ये 4 धाम को चयन किया गया शंकराचार्य जी के द्वारा। वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से शिव जी के भी 4 प्रमुख धाम है। सारे भगवानों के 4 प्रमुख धाम है। शिव जी के 4 धाम क्या है पता है? शिव जी के धाम वही है जिस धाम के पास विष्णु जी रहते हैं। मतलब अगर बद्रीनाथ धाम है उसके पास केदारनाथ जी रहेंगे, जहां विष्णु रहेंगे वहां शिव रहेंगे, ये अनिवार्य है। सोमनाथ जी के पास द्वारिकानाथ, तो शिव जी। वैसे ही रामेश्वरम तो खुद शिव ही है, जहां पे भगवान राम ने शिव को पूजा किया था, तो वो मिलन है, शिव भी है और विष्णु भी है, हरि हर, हरि और हर, वो दोनों हैं। वैसे भगवान जगन्नाथ जी के पास कौन से शिव हैं ना, लोकनाथ, जो पुरी में ही है, लोकनाथ। लोकनाथ आप बोल सकते हैं, या भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज बोल सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब आप देखोगे शिव जी के 4 धाम हैं, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम और सोमनाथ। तो ये है शिव के 4 धाम। लिंगराज भगवान जो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, शायद आप जानते होंगे लिंगराज भगवान। लिंगराज मंदिर जो है वो ब्रह्मलिंग है, वो सभी लिंगों के राजा हैं, इसलिए उनका नाम है लिंगराज। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आते, लेकिन भुवनेश्वर से जब आप पूरी जाएंगे ना, लिंगराज मंदिर पहले आता है, उसके बाद जगन्नाथ मंदिर आता है। तो इसका मतलब ये है, ऐसा माना जाता है भगवान शिव जगन्नाथ जी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनके रक्षक हैं। तो रक्षक के रूप में शिव जी वहां विराजमान है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर का नाम ही लिंगराज से आया है, भुवन प्लस ईश्वर। संसार के जो ईश्वर हैं, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे भुवन के जो ईश्वर हैं, वो है भुवनेश्वर, मतलब भगवान लिंगराज। तो भुवनेश्वर का नाम भी बहुत लोग नहीं जानते कि भुवनेश्वर नाम क्यों पड़ा है। भुवनेश्वर मतलब जो भुवन के ईश्वर हैं, पूरे जगत के जो ईश्वर हैं, वो है भुवनेश्वर। तो भगवान शिव लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ना शिव और विष्णु के अंदर हम डिफरेंस करते हैं कि शिव अलग है, विष्णु अलग है। नहीं, अलग नहीं है। तो ये है विष्णु के 4 धाम, ये है शिव के 4 धाम। अब आते हैं देवी शक्ति के 4 धाम, दुर्गा मैया की 4 धाम। देखिए उनके 51 धाम है, उसमें से 4 प्रमुख हैं। कौन से 4 प्रमुख है? एक नारी की जो मुख्य अंग होते हैं, वो जहां पे गिरे हैं, वो 4 धाम मुख्य है। एक नारी की आइडेंटिटी किससे होती है? उसके मुख, नारी के पास क्या होता है जो कि जो जिसको जो उसको पुरुष से अलग करता है? उनका स्तन और उनका योनि, जो कि पुरुष के पास नहीं होता है ना। तो देवी सती का स्तन जहां पे गिरा था, वो जगह है उड़ीसा में ही, जिसका नाम है तारा तारिणी देवी। फिर देवी का सर जहां पे गिरा था, वो था कालीघाट देवी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कालीघाट माता। तो वो एक शक्तिपीठ है। फिर आता है योनि, उनका योनि कहाँ पे गिरा था? गुवाहाटी, कामाख्या देवी। और उनका पैर कहाँ पे गिरा था? वो गिरा था जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे है वहीं पे, वहां पे अभी भी आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, वहां पे देवी विमला
विमला देवी वहीं पे पूजित है। ये चार धाम प्रमुख धाम है, इनको बोला जाता है आदि शक्ति पीठ। 51 शक्तिपीठ, चार आदि शक्ति पीठ। तो शिवजी के चार धाम, देवी के चार धाम और विष्णु के चार धाम, ये हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। और देवी मतलब देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती, तीनों को मिलित रूप से मैं बोल रहा हूं। तो ये है धाम की कॉन्सेप्ट। अब धाम के बाद जो भगवान का कॉन्सेप्ट मैंने बोला, पहले आप सब सोच लीजिए कि भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि सारे भगवान एक ही हैं। आप मुझे बताइए अनंत जी, आप आज बड़े खुश हैं, बड़े शांत दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप अभी विष्णु रूप में हैं, आपके अंदर अभी विष्णु हैं, आप विष्णु हैं। अभी आपको कोई कुछ बोल देगा, आपका दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, आप एकदम गुस्से वाले बन जाओगे, तो आप शिव हैं, तो आप शिव हैं। अब अभी आपके घर पे मेहमान लोग आए हैं और आपका मन कर रहा है कि, या फिर मेहमान नहीं आए, छोड़िए, आपको आज बहुत मन कर रहा है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं गरीबों में थोड़ा खाना बांटू, तो आप अन्नपूर्णा हैं, आप माँ लक्ष्मी हैं। आपको आपका एक एग्जाम है अभी, आपको पढ़ाई करने का बहुत मन है, तो तब आप गणेश हैं। आपको गाने गाने का बहुत शौक है, मैंने देखा है आप गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आपको गाने गाने का बहुत शौक है, इसका मतलब आप सरस्वती हैं। आपको नौकरी करना है, बहुत पैसा इनकम करना है, इसका मतलब आप अभी कुबेर हैं। आपके मन में अभी प्रेम है, आपके मन में अभी किसी के लिए प्रेम है, वो प्रेम किसी के लिए भी हो सकता है, तो आप अभी कामदेव हैं। आपको तो आप सोचिए, भगवान कोई और नहीं, भगवान हम ही हैं, जो हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है, हम भगवान से अलग नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। अगर हम अपने आप को खुश ना रखें, अपने आत्मा को खुश ना रखें, तो हम भगवान को कभी खुश नहीं रख सकते। हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार की इमोशंस है ना, भावनाएं, वो भावनाओं को हमने विभिन्न प्रकार के रूप में सजा दिया है कि ये शिव है, ये विष्णु है, ये गणेश है, ये सरस्वती है, ये लक्ष्मी है। हमारे इमोशंस को ही हमने भगवान बना दिया है, भगवान और कोई नहीं, हमारे इमोशंस ही हैं। तो हम मंदिर में क्यों जाते हैं? आप किसी भी कथा में सुनिए, आप किसी भी बाबा जी, किसी भी प्रवचना आप सुनते हैं, किसी भी बड़े संतों की, उनके प्रवचन का कंक्लूजन क्या होता है? उनका कंक्लूजन यही होता है कि अपने मन पर, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल लाना सीखो, यही हमें सिखाया जाता है। ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा ज्यादा हंसी मजाक मत करो, ज्यादा गुस्सा मत करो, कोई भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं होता, हमें यही सिखाया जाता है। आप बचपन से यही सुनते आए होंगे कि किसी भी चीज का ज्यादा करना अच्छा नहीं है, एनीथिंग दैट इज एक्सेसिव इज रॉन्ग। मतलब हमारा जो पूरा प्रोसेस है, हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अपनी भावनाओं पे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल लाना है, अपनी पांच इंद्रियों पे कंट्रोल लाना है। इसलिए हमें बताया जाता है मेडिटेशन करो, शांत बैठो, मेंटल पीस लाओ। क्यों? ये क्यों? मतलब ये जो हमारे भगवान है ना, ये कुछ नहीं, हम अपने इमोशंस को ही पूजा करते हैं, अपने इमोशन को वश में लाने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए। ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एवरीथिंग इज लॉजिकल इन सनातन संस्कृति, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत सुंदर चीज है। तो ये हो गया धाम का कॉन्सेप्ट और भगवान का कॉन्सेप्ट, ये मैंने खत्म कर दिया। अब हम आएंगे जगन्नाथ जी के ऊपर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले भाग में आवान जी बात करेंगे भारत के सबसे यूनिक कल्चर यानी कि जगन्नाथ कल्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हरिओम।